टीवी सीरियल अलीबाबा दास्तान कबूल के लीड एक्टर रह चुके शिजान खान को कुछ समय पहले ही जेल से रिहा मिली है। शिजान खान दिवंगत एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस के मामले में मुख्य आरोपी थे, जिनके खिलाफ तुनिशा की मां ने एफआईआर दर्ज कराई थी। तभी से शिजान खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। बता दें, शिजान खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और लगातार अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हर अपडेट्स अपने फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। हाल ही में शिजान खान ने दिवंगत एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा को चांद कहते हुए चांद रात की मुबारकबाद दी है। कल रमजान का आखिरी दिन था, साथ ही बीती रात चांद रात थी। इस खास मौके पर शिजान खान ने अपने चाहने वालों को चांद रात की मुबारकबाद दी है। शिजान खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी फीलिंग्स एक्ट्रेस के लिए शेयर करते हुए लिखा, जो दूर है उस नजर से उस चांद को भी चांद मुबारक। इसके अलावा शिजान खान ने एक पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अलीबाबा दास्तान कबूल के सेट से पुरानी तस्वीर शेयर की है। बता दें, शिजान खान और तुनिशा शर्मा टीवी एक्ट्रेस होने के साथ साथ रिलेशनशिप में भी थे। वहीं दोनों ने अलीबाबा में एक साथ काम किया था, जिसके बाद से दोनों एक दूसरे को डेट करते नजर आए। सुसाइड के बाद तुनिशा की मां ने एक्ट्रेस शिजान खान पर बेटी के सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। यही कारण है रिलेशनशिप से परेशान होकर तुनिशा शर्मा ने सुसाइड की। तुनिशा शर्मा ने 24 दिसंबर को टीवी सीरियल अलीबाबा के सेट पर फांसी लगाकर अपने फैंस समेत पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक्ट्रेस ने महज 20 साल की उम्र में सुसाइड की, जिसके बाद शिजान खान को 5 दिसंबर को अरेस्ट कर लिया गया। वहीं एक्टर को 3 महीने तक जेल में रहने के बाद मार्च फर्स्ट वीक में रिहा मिली।